नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत, गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान,
इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रत्न अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को
आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी। इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे। इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान। इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है। सीवी श्रीधर कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रत्न अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन
जितेंद्र सागर के रूप में, हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत। गाना नंबर एक, दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो, बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच, जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल। गहरी चाल अनुवाद, डीप ट्रैप, 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रत्न अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से
मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत। गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को
पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है। रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत। गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है। सीवी श्रीधर कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित, एन एम शंकर संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है
जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक CBI अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना, रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत, गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत CV शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक CV श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है। CV श्रीधर कहानी द्वारा CV श्रीधर द्वारा निर्मित CV श्रीधर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित, NM शंकर संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु
जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक CBI अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत CV शेलर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक CV श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है। CV श्रीधर कहानी द्वारा CV श्रीधर द्वारा निर्मित CV श्रीधर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित, NM शंकर संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं
और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक CBI अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत CV शेलर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक CV श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है। CV श्रीधर कहानी द्वारा CV श्रीधर द्वारा निर्मित CV श्रीधर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित, NM शंकर संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेकर
ब्लैकमेलर संपर्क करता है जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक CBI अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत CV शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा ने जाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक CV श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है। CV श्रीधर कहानी द्वारा CV श्रीधर द्वारा निर्मित CV श्रीधर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित, NM शंकर संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था।
इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक CBI अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत CV शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक CV श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है CV श्रीधर। कहानी द्वारा CV श्रीधर द्वारा निर्मित CV श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित NM शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी
हेमा हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक CBI अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत CV शेदर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक CV श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है CV श्रीधर। कहानी द्वारा CV श्रीधर द्वारा निर्मित CV श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित NM शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973,
कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रत्न अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक CBI अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत CV शेदर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक CV श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है CV श्रीधर। कहानी द्वारा CV श्रीधर द्वारा निर्मित CV श्रीधर
अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित, एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रत्न अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है। रतन उसकी सहायता करता है, डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेदर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में
फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रत्न अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है। रतन उसकी सहायता करता है, डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की
एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सी वी शीलर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सी वी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सी वी श्रीधर। कहानी द्वारा सी वी श्रीधर द्वारा निर्मित सी वी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है। रतन उसकी सहायता करता है, डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।
और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद, डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेदर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है। सीवी श्रीधर कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत, गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे।
इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत, गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है। सीवी श्रीधर कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान,
इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेदर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सी वी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सी वी श्रीधर। कहानी द्वारा सी वी श्रीधर द्वारा निर्मित सी वी श्रीधर अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है। रतन उसकी सहायता करता है, डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को
आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेदर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है। उस सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है। रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन
जितेंद्र सागर के रूप में, हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर एक, दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो, बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच, जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद, डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेदर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतवत संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है। रतन उसकी सहायता करता है, डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है, रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से
मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर एक दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेदर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित NM शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है। रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक CBI अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को
पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है। रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर 1 दे ताली बड़े ज़ोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेदर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर, जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है
जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश, जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है। रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर एक दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच जयपुर की चोली मंगवा दे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गहरी चाल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गहरी चाल, गहरी चाल अनुवाद डीप ट्रैप 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चित्रकला पिक्चर्स बैनर के तहत सीवी शेडर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत है। निर्देशक ने 1975 में तमिल में बैरा निजाम के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया। निर्देशक सीवी श्रीधर द्वारा लिखे राजेंद्र कृष्ण संवाद और गीत पटकथा की है सीवी श्रीधर। कहानी द्वारा सीवी श्रीधर द्वारा निर्मित सीवी श्रीधर, अभिनीत अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, छायांकन यू राजा गोपाली द्वारा संपादित एन एम शंकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी चित्रालय चित्र, रिलीज की तारीख 27 जुलाई 1973, कार्यकारी समय 160 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड धर्मचंद ओलंपिक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख तक होना है। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी हेमा मालिनी को उसका शव उसके बेडरूम में मिला। वह अपने भाई रतन अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती है, जो आता है अपने पिता के कमरे में एक सुसाइड नोट पाता है। यह स्पष्ट करता है कि उसने बैंक से 20 लाख का गबन किया था, इसे चुकाने में असमर्थ है और इसलिए खुद को मार रहा है। रतन परिवार के अच्छे नाम की रक्षा करने का फैसला करती है और सुसाइड नोट के बारे में हेमा सहित किसी को नहीं बताती है। इसके तुरंत बाद रतन से शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर संपर्क करता है, जो रतन के रहस्य को उजागर करने की धमकी देता है। यदि रतन अंतिम ऑडिट से 2 दिन पहले होने वाली बैंक डकैती में भाग नहीं लेता है, रतन उसकी सहायता करता है। डकैती होती है, पैसे लूटे जाते हैं, सभी बैंक रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं और लुटेरे एक सफल पलायन करते हैं। रतन को राहत मिली है कि समस्या का समाधान हो गया है और परिवार का नाम खराब नहीं हुआ है। एकमात्र समस्या यह है कि हेमा ने लुटेरों को कार्रवाई में देखा।
और उनमें से एक को पहचानने में सक्षम है। बिंदु जब वह रतन को बताती है तो वह उसे एक जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है। फिर रतन का दोस्त सागर जितेंद्र एक यात्रा के लिए दिल्ली से आता है और यहीं पर रतन को पता चलता है कि सागर एक ऐसे पेशे में है जिसने उसे पुलिस के साथ एक संदिग्ध बना दिया है और रतन के रहस्य को खोल सकता है। दुनिया से छुपाने की कोशिश जल्द ही यह पता चलता है कि सागर एक सीबीआई अधिकारी है और उसे ओलंपिक बैंक डकैती के सबूत का पता लगाने के लिए भेजा गया है। पूछताछ के बाद सागर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध मदन प्रेम चोपड़ा है। रतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अब रतन और सागर शोभा से मिलते हैं और मदन के बारे में सब कुछ बताने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मदन उसे गोली मार देता है। पहले से मरने से पहले शोभा कबूल करती है कि धर्मचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मदन ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें वास्तव में धर्मचंद के माध्यम से बैंक से 20 लाख का गबन किया गया था और ऋण चुकाना नहीं चाहता था। फेंकना रतन के रूप में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र सागर के रूप में हेमा मालिनी के रूप में हेमा, शोभा के रूप में बिंदु, मदनी के रूप में प्रेम चोपड़ा। गीत संगीत गाना नंबर एक दे ताली बड़े जोर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो बड़ा प्यारा लगे तू, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन शाम भीगी भीगी, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मारा बड़े ने तेरे ऐसे, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच जयपुर की चोली मंगवा दे रे सयान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और किशोर कुमार हैं।